आज कलबुर्गी जिले के डीसी ऑफिस में हम एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑन द स्पॉट जो है आवाम की जो मसाइल है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक ओपन डोर पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सारे ऑफिसर्स और सारे जो MLAs है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, मेयर है, सब इधर ही बैठ रहे हैं। ऑन द स्पॉट जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कर सकते हैं वो करेंगे। मेजर इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं? अब 2 घंटे से आप बैठे, मेजर इश्यूज़ क्या दिख रहे हैं? अभी तो ज़्यादातर पानी का इशू है और थोड़ा बहुत हैंडीपैक कैप सर्टिफिकेट्स जो ठीक से इशू नहीं हो रहे। आज लास्ट डे है सुना मैंने, तो वो समय वो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी के जो भी इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम है वो हम टैकल कर रहे हैं। ಏನಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾವು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಯ್ಯನಪುರ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕಳೆದ ನಾವು 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗಮನ ತಿಂದಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ನೀರು ಮುಲ್ಲಮಾರಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ हमारे मोहल्ले बागवानपुरा में जो वार्ड नंबर 27 में आता है, टोटली तौर पर यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना काम पूरा ख़राब है और बहुत करीब करीब बड़े बड़े TC लगे हुए हैं। और हम इस बार अब यहाँ पर जो है ना इस जरिए से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को दरख्वास्त देने आए हैं, भाई 3 TC छोटे छोटे हैं उसको निकाल के एक जगह बड़ा TC बना के चंद खम्भों को शिफ्ट करने के लिए हम इससे पहले भी जो है ना जिसका के जिम्मेदारों को बोले, मगर उसके ऊपर अभी तक कुछ अमल नहीं हुआ 4-5 महीने से। और इस बार हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब ये जो सभा बुलाए हैं उसके ज़रिए से हम जो है ना टोटल जिसकाम को और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, DC साहब को और कॉरपोरेशन कमिश्नर को ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम हैं छोटे छोटे TC निकाल कर एक बड़ा TC एक जगह शिफ्ट करें ताकि लोगों की जानें महफूज रहे। क्योंकि छोटे छोटे TC रहने की वजह से अक्सर और बेशतर रात में वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बहुत करीब करीब मकानात रहने की वजह से पूरी जो है ना आबादी को वहाँ पर जाने को खतरा लायक है। इसलिए हम फौरन से फौरन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज में से दरख्वास्त करते हैं कि वो छोटे छोटे TC को एक जगह शिफ्ट करके बड़ा TC वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। बारह हिल का पानी है ये, कल नल छूटा था पानी, इतना नहीं से देखो दिखने वालों को मालूम पड़ता है कि ये नाली का पानी है कि नल का पानी है, तुम्हें यूज कर सकते हम क्या भी नहीं। एक तो आता नहीं, वीकली एक टाइम है वो भी है तो पानी ऐसा है, इसको तो तुम्हें क्या नाली का पानी बनेंगे क्या नल का पानी बनेंगे? ऐसा फिल्टर पानी जो 8 दिन में एक टाइम नल का पानी आ रहा, कल का चाहे डिसेंट, अभी इसके अंदर देखे तो बो आती, बो तो दे सकते तुम। हाँ, ये हमारे कॉरपोरेशन गुलबर्गा सिटी का ऐसा है, ये हाल है क्या अब? हाँ, एक बार वो भी वीकली एक टाइम आ रहा, वही बराबर नहीं आ रहा। बस रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अच्छा पानी होंगे, 4 घंटे 2 घंटे आंदे अच्छा आंदे सही आंदे क्या, 4-4 घंटे छोड़ने मतलब नहीं है, 2 घंटे आना सही आना वाला, सब जगह एकदम ओपन करते पूरे ट्रेन चलता होता, एक ट्रेन एक सिंगल होगा तो बराबर होता। अस्सलामुअलैकुम, मैं जाकिर हुसैन पैशन NGO चलाता हूँ। मेरे NGO में 800 हैंडीकैप लोग हैं। मेरा NGO की हमारी ख्वाहिश है कि सिर्फ हैंडीकैप को जो सहूलत मिलना है वो सहूलत उन तक पहुँचे, उसके लिए हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम की कामयाबी मैं इतना बयान करूँगा कि हम जो हैंडीकैप के मसले थे प्रियंक साहब के पास जाते ही वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह हमको हेल्प करे हैं, हमारे मसलों को सोल्यूशन निकाले, एंडोर्समेंट करके बैंक को बुला के हमारे जो मसले थे उसके लिए रास्ते खोल के रखे हैं। हम प्रियंक साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनके साथ में फौजिया तरुण मैडम भी आए थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बट एक छोटी सी तकलीफ जो हमें होती है कि जो डिजेबल्ड के लिए जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आना था आज के मौके पर भी इतना बड़ा मौका था। मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन से पूछना चाहूंगा कि जब इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे चल रहा है तो जो डिस्ट्रिक्ट डिजेबल वेलफेयर ऑफिसर है बंसी पवार साहब इस मौके पर भी मौजूद नहीं है, आज भी वो नहीं आते, इसकी वजह क्या है? जब हैंडीकैप के हकूक के लिए जब कोई बात करना चाहता है तो हमारे मसले सुनने वाला ही नहीं है,
तो मैं एक दरखास्त करूंगा कि बंसी पवार साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला कोई भी प्रोग्राम अगर हैंडीकैप को लेकर होता है तो बंसी पवार जो डिस्ट्रिक्ट डिजेबल वेलफेयर ऑफिसर है वो वहां पे मौजूद रहे ताकि हमारा आमना सामने डायरेक्ट हमारी मजबूरी वो सुन सके। हम खुद भी कई प्रोग्राम करे हैं जब आए नहीं, हम उनको पर्सनल गेस्ट बना के बुलाए तब भी उनका कहना था कि नहीं भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल आवर्स पे प्रोग्राम रखो मैं आऊंगा। हम शाम में प्रोग्राम रखे थे जिसमें के जज साहब आके 5 घंटे बैठे, डीसी आते हैं, सीएस आते हैं, बट हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजेबल वेलफेयर ऑफिसर आते नहीं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अगला प्रोग्राम या हमारे लिए जो भी मसले हैं आगे आके फायदा उठाए। यहाँ पे है मेरे साथ मानतू जो कि डिस्ट्रिक्ट डिजेबल वेलफेयर ऑफिसर में प्यून का काम करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा हमदर्दी।